नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 के पहले ही लिस्ट में शामिल, भारत की 5 फिल्में हैं इस मूवी में। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब की कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत 14 दिन तक की। वीडियोकॉन धोखाधड़ी मामला, चंदा कोचर और उसके पति दीपक जेल से बाहर। भारत की ओर देख रही है दुनिया, भारतीय प्रवासी सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 से ज्यादा भारत वंशियों ने लिया है हिस्सा। पहाड़ों से खिलवाड़ का नतीजा है जोशीमठ आपदा, स्थानांतरित हो रहे लोगों का कहना। कोहरे में थमी रेल की रफ्तार, 266 ट्रेनें हुई कैंसिल तो वही 108 घरेलू उड़ानें हुई प्रभावित। जोशीमठ प्रशासन ने शुरू किया अनाउंसमेंट, गिराए जाने वाले भवनों से दूर रहने की दी सलाह। मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट की NSG कर रही है जांच, जामनगर एयरपोर्ट पर एंटी बम स्क्वाड है मौजूद। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 नापी गई तीव्रता, सुनामी का अलर्ट। और तमिलनाडु विधानसभा में हाई लेवल ड्रामा, गवर्नर को करना पड़ा वॉकआउट।